ईश्वर भगवान अल्लाह को लेके लोगों में तरह तरह के धारणा है। जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करते हैं उनका कहना है या तर्क है, हम अपने परदादा को नहीं देखे हैं फिर भी मानते हैं हमारे परदादा थे। हमने हवा नहीं देखी है लेकिन हम मानते हैं हवा है। हमने बिजली नहीं देखी लेकिन मानते हैं बिजली है। इसी तरह से ईश्वर है जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो है ईश्वर अल्लाह गॉड है। ईश्वर विश्वासियों के ऐसे तर्क का हम आसानी से खंडन कर सकते हैं। हमारे परदादा थे उसका प्रमाण हम वर्तमान है। हम हैं तो हमारे परदादा थे। बिजली है इसका सीधा साधा सबूत है कि जब बिजली तार से किसी बल्ब में पहुंचता है तो बल्ब जल उठता है। जब बिजली पंखे में चलता है तो पंखा चलने लगती है। जब बिजली टीवी या कंप्यूटर में जाती है तो कंप्यूटर या टीवी चलने लगता है। बिजली का अस्तित्व विभिन्न वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट से प्रमाणित किया जा सकता है। पंखा चलने से बिजली का अस्तित्व प्रमाण होता है, लाइट जलने से बिजली का अस्तित्व प्रमाण होता है, इसी तरह से कंप्यूटर टीवी मोबाइल चलने से भी बिजली का अस्तित्व प्रमाण होता है। लेकिन ईश्वर अल्लाह गॉड है इसका सीधा साधा प्रमाण क्या है? क्या आपके पास ईश्वर का, भगवान का, अल्लाह का कोई फोटो है? क्या उन्हें आप हमारे सामने प्रकट करके दिखा सकते हैं? क्या ईश्वर अल्लाह गॉड को प्रमाण करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट है? नहीं। हम तर्कवादी कहते हैं जो नहीं है उसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट वैज्ञानिक तरीके से साबित नहीं किया जा सकता है। इसे साबित सिर्फ कुयुक्ति, तर्क, कुतर्क से साबित किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कुतर्क, अंधी आस्था का विज्ञान तर्क के सामने एक भी मूल्य नहीं है। इसलिए जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो आस्तिक है, उनके सामने हमारी एक चुनौती है। आप ईश्वर, भगवान, अल्लाह को लेके ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण लेके आइए जो विज्ञान, तर्क या तर्कशास्त्र के सामने सटीक प्रमाणित साबित हो। तब तक के लिए आप सिर्फ कुतर्क, अंधी आस्था में डूबे रहिए। कुतर्क या अंधी आस्था से कुछ प्रमाण नहीं होता है। इतना प्रमाण होता है कि आप ईश्वर अल्लाह गॉड नामक अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। जो लोग ईश्वर अल्लाह गॉड पे विश्वास करते हैं उनका तर्क है, माना आज ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन आज नहीं तो कल ईश्वर का प्रमाण जरूर मिलेगा। लेकिन आप नास्तिक किस तर्क के आधार पे ये गारंटी दे सकते हैं कि ईश्वर का प्रमाण कभी नहीं मिलेगा? ईश्वर विश्वासियों के ऐसे तर्क का आसानी से खंडन किया जा सकता है। अगर आप ईश्वर है आज नहीं तो कल साबित होगा और गारंटी के साथ साबित हो सकता है, तो एक तर्कवादी, युक्तिवादी के नाते मैं भी एक तर्क दे सकता हूँ। घोड़ा का अंडा आज नहीं साबित हुआ है, हो सके कल तो साबित हो सकता है। ऐसे में क्या हम नहीं मान लेंगे कि आज नहीं तो कल घोड़े का अंडे का प्रमाण मिलेगा? इसीलिए तर्क ऐसा दीजिए जो तर्क सार्वजनिक हो, विज्ञान तर्क के कसौटी पे खरा उतरे। सिर्फ कुतर्क या आज या कल ऐसे तर्क मत दीजिए जो तर्क विज्ञान के सामने एक भी मोल नहीं रखता है। मैं नास्तिक हूँ, युक्तिवादी हूँ। मेरे नास्तिक या युक्तिवादी होने के पीछे ज्ञान, विज्ञान, तर्क है, कोई अंधी आस्था, अंधविश्वास नहीं है। लेकिन ईश्वर पर विश्वास करने वाले लोग अक्सर ये तर्क देते हैं, आप नास्तिक है, क्या आप ये साबित कर पाएंगे ईश्वर नहीं है? ईश्वर अल्लाह गॉड नहीं है, इसीलिए मैं आज नास्तिक हूँ, तर्कवादी, युक्तिवादी हूँ। अगर ईश्वर होता तो मैं भी आस्तिक होता। लेकिन आपने कहा कि आप क्या साबित कर पाएंगे ईश्वर नहीं है। हम नास्तिक या युक्तिवादी ईश्वर को साबित करने बैठे नहीं है। जो लोग ईश्वर विश्वास करते हैं, अल्लाह पे विश्वास करते हैं, गॉड पे विश्वास करते हैं, उनका ही ये दायित्व है कि ये साबित करे, प्रमाण पेश करे ईश्वर है। अगर मैं कहूँ कि मैं रात 12 बजे इंसान से पक्षी बन जाता हूँ, मैं यह दावा करूँ कि दोपहर 12 बजे मैं इंसान से पंछी बनकर आसमान में उड़ने लगता हूँ, क्या आप ये साबित कर पाएंगे कि मेरा तर्क गलत है? इसीलिए जो लोग दावा करते हैं कि ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, उन्हें ही प्रमाण देना पड़ेगा ईश्वर, अल्लाह, गॉड है या नहीं।
हम युक्तिवादी तर्कवादी आपके प्रमाण को तर्क की कसौटी पे परख कर देखेंगे कि आपका प्रमाण युक्ति कितना सटीक या गलत है। इसीलिए पहले प्रमाण पेश करिए, कुयुक्ति या कुतर्क मत करिए। और प्रमाण वही पेश कर सकता है जो दावा करता है। दावा करने वालों को ही प्रमाण पेश करना पड़ता है। अगर आप ईश्वर अल्लाह गॉड विश्वासी हैं तो आपको ईश्वर अल्लाह गॉड या खुदा के पक्ष में प्रमाण पेश करना पड़ेगा। ये दायित्व आपका है। अगर ईश्वर अल्लाह गॉड या खुदा नहीं होता तो आज इस विज्ञान के युग में लाखों करोड़ लोग ईश्वर भगवान अल्लाह पे विश्वास क्यों करते। लाखों करोड़ लोग आस्तिक है, ईश्वर विश्वासी है। इससे यह प्रमाण होता है ईश्वर अल्लाह गॉड है। लेकिन ऐसे तर्क से यह साबित नहीं होता है कि ईश्वर है या अल्लाह है या गॉड है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था कि लोग विश्वास करते थे कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन विज्ञान ने यह साबित कर दिया कि सूरज नहीं, धरती ही सूरज का चारों तरफ घूमती है। इसीलिए वर्षों पहले जो अंधविश्वास था वो विज्ञान ने सटीक साबित किया और लोग अंधविश्वास छोड़ के सही और वैज्ञानिक तार्किक विषय को स्वीकार किया। इसी तरह से यदि ईश्वर लाखों करोड़ लोग विश्वास करते हैं, लाखों करोड़ लोग आस्तिक हैं, तो उन्हें यह प्रमाण देना पड़ेगा कि ईश्वर है या नहीं। अगर ईश्वर होता, अल्लाह होता या गॉड होता तो मुझ जैसे नास्तिक तर्कवादी नहीं होते जो ईश्वर पे सीधे उंगली उठाते, उनके अस्तित्व को खंडन करते। और समय के साथ आस्तिक या ईश्वर विश्वासी की संख्या घटती जा रही है। इसीलिए कितने लोग या लाखों करोड़ लोग आज ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं, दूसरी ओर आज लाखों करोड़ लोग नास्तिक भी बनते जा रहे हैं। अगर ईश्वर होते तो सभी लोग आस्तिक होते, ईश्वर विश्वासी होते। ईश्वर नहीं है इसीलिए आज लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, युक्तिवादी तार्किक बनते जा रहे हैं।